सैयदा अस्मा सैयदना अबू बकर की सबसे बड़ी साहबजादी थी। हिजरत नबी से 27 वर्ष कबल पैदा हुई। सैयदा आयशा की वालदा का नाम उम्मे रोमान था। सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर ने कम सिनी में ही इस्लाम कबूल किया। हिजरत मदीना के मौके पर सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर ने अपने वालिद और रसूल करीम की बहुत मदद फरमाई। अपने वालिद और रसूल को रुख्सत करके सैयदा अस्मा मक्का पहुंची तो कुरैश के लोग अबू जहल की सरबराही में इनके घर आए। अबू जहल ने आप पर तशद्दुद भी किया जिससे आप जख्मी भी हुई, यानी ये जख्म रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा अस्मा से मांग कर एक हार पहना जो एक मकाम पर टूट कर गिर गया। अब इस हार की तलाश के लिए काफिला रुकवाया गया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया, आसपास कहीं पानी नहीं था, कुछ सहाबा को वजू किए बगैर नमाज पढ़ना पड़ी। इसी मौके पर आयात तयम्मम नाजुल हुई और अहले इमाम ने पहली मरतबा तयम्मम किया। नाज़रीन, सैयदा अस्मा सैयदना अबू बकर की सबसे बड़ी साहबजादी थी। हिजरत नबी से 27 वर्ष कबल पैदा हुई। तब सैयदना अबू बकर की उम्र 20 साल से कुछ ऊपर थी। सैयदा आयशा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा इनकी सौतेली बहन थी और सैयदा आयशा से 20 साल से भी ज़्यादा बड़ी थी। अब्दुल्ला बिन अबू बकर इनके सगे भाई थे। सैयदा आयशा की वालदा का नाम उम्मे रोमान था। उम्मे अब्दुल्ला अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत थी। सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर ने कम सिनी में ही इस्लाम कबूल किया। अलसाबिकून अलअव्वलून की फहरिस्त में इनका नंबर 18वां या 19वां है। सैयदा अस्मा दौरे जहालत में भी शिर्क से बेजारी और तौहीद की तलकीन पर मबनी अशार कहती थी, यानी वो सलीमुल फितरत खातून थी। हिजरत मदीना के मौके पर सैयदा अस्मा बिनते अबू बकर ने अपने वालिद और रसूल करीम की बहुत मदद फरमाई। आप गारे सौर में जितने दिन रहे तब तक सैयदा अस्मा खाने का इंतज़ाम करती रहीं। तीसरे दिन सैयदा अस्मा दोनों के लिए ज़्यादा राह का बंदोबस्त करके गईं। अपने वालिद और रसूल को रुख्सत करके सैयदा अस्मा मक्का पहुँची तो कुरैश के लोग अबू जहल की सरबराही में इनके घर आए और पूछताछ करने लगे। इसी दौरान अबू जहल ने आप पर तशद्दुद भी किया जिससे आप जख्मी भी हुई, यानी ये जख्म रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए। नाज़रीन, ग़ज़वा बनू मुस्तलिक में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा अस्मा से मांग कर एक हार पहना जो एक मकाम पर टूट कर गिर गया। वो ऊँट उस पर बैठ गया जिस पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवार थी। अब इस हार की तलाश के लिए काफिला रुकवाया गया। इसी दौरान नमाज का वक्त हो गया, आसपास कहीं पानी नहीं था, कुछ सहाबा को वजू किए बगैर नमाज पढ़ना पड़ी। इसी मौके पर आयात तयम्मम नाजुल हुई और अहले इमाम ने पहली मरतबा तयम्मम किया। नाज़रीन, सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ सख्त तबीयत के आदमी थे और सैयदा अस्मा के साथ भी बाज़ औक़ात सख्ती बरतते। वो अपने वालिद के पास आईं और ज़ुबैर की शिकायत की तो उन्होंने कहा, बेटा सब्र करो, ज़ुबैर नेक इंसान है, उम्मीद है जन्नत में भी वही तुम्हारा शौहर हो, क्योंकि एक औरत का खावंद अगर नेक हो और वह उसके मरने के बाद किसी और से शादी ना करे तो अल्लाह जन्नत में भी दोनों को साथ रखता है। एक मरतबा अस्मा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या नबी, मेरे घर में वही कुछ है जो ज़ुबैर लाते हैं, क्या मुझे गुनाह होगा अगर इनके दिए हुए माल में से एक कलील मकदार सखावत कर दूँ? आपने फरमाया, जितनी बख्शिश कर सकती हो कर दिया करो, माल गिन गिन कर ना रखना, कंजूसी मत करना, वरना अल्लाह भी कहीं अपनी अता कम ना कर दे। आपकी इस तलकीन ही का नतीजा था कि सखावत सैयदा अस्मा की तबीयत का हिस्सा बन गई। नाज़रीन, मरवान बिन हकम की वफात के वक़्त बनू उमैया की हुकूमत शाम तक महदूद हो चुकी थी। शाम के अलावा सारा आलम इस्लाम सैयदा अस्मा के बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़ेर तसल्लुत था। कुछ वक्त के बाद जब उमवी हुकूमत मक्का तक पहुंच गई तो इनके बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद कर दिया गया। सैयदा अस्मा ने इस मौके पर नहायत दलेरी और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और अपने बेटे को मुकाबले के लिए भी तैयार किया हुआ था। इनकी वफ़ात अपने बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के कत्ल के कुछ दिनों बाद हुई। वो शिद्दत गम से निढाल होकर हज्जाज के पास आई और पूछा, सूली पर चढ़े इस सवार के उतरने का वक़्त नहीं आया? हज्जाज ने कहा, हम दोनों ने इस स्लीप पर लटकने का मुकाबला किया लेकिन ये जीतकर मसलूब होने में कामयाब हुआ। अल्लाह ने इसे दर्दनाक अजाब दिया और हक की तायद की। सैयद अस्मा ने कहा, कभी बातिल भी हक पर गालिब आ जाता है। हज्जाज ने कहा, तेरा बेटा मुनाफिक था, उसने बैतुल्ला में बेदीनी का इर्तकाब किया। सैयद अस्मा बोली, तू झूठ कहता है, वो अहले ईमान के यहाँ पैदा होने वाला मदीने का पहला बच्चा था। इसकी पैदाइश पर रसूलुल्लाह बेहद मसरूर हुए, मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए और मदीना गूंज उठा। तुम और तुम्हारे साथी इसे कत्ल करके खुश हो रहे हो? अब्दुल्ला की पैदाइश पर खुश होने वाले तुम लोगों से बहुत बेहतर थे। वल्लाह वो मुनाफिक ना था, वो तो वालदैन का ताबे फरमान, रोज़ादार, शब बेदार और इबादत गुजार था।
हजाज ने झिड़क कर कहा, चली जा, तू एक बुढ़िया है जिसकी अकल जाती रही है। उन्होंने कहा, मेरी अकल जायल नहीं हुई, मैं गवाही देती हूँ कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते सुना है कि बनू सकीफ में एक झूठा मुद्दी नबूत पैदा होगा और एक कत्लो गारत करने वाला हलाकू। झूठा मुख्तार सख्फी तो हमने देख लिया, हलाकू तू है। सैयदा अस्मा ने अपने बेटे की मैयत के पास खड़े होकर तवील दुआ की और फिर एक भी आंसू बहाए बगैर वापस लौट आई। ये थी वो दलेर खातून।